देखिए मैंने ये 8-10 महीने के बेबी की क्रोशिया से फ्रॉक बनाई है। आज मैं इसको बनाना आपको बताऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत सा ये क्रोशिया का फ्रॉक है। ये 3 धागों वाली ऊन से मैंने बनाया है। इस यहाँ पर मैंने डबल कलर यूज़ किया है। आज मैं आपको सिंगल कलर में बताना सिखाऊंगी। देखिए ये 70 हुक की हम पहले चैन बना लेंगे। इस तरह ये 70 हुक की चैन बनाकर हम सिंगल क्रोशिया से इसकी डबल चैन बनाएंगे। इसे हर हुक में हम निकालेंगे और डबल चैन बना लेंगे। तो 3 धागों की ऊन है इसलिए इसे बहुत संभाल कर बनाना पड़ता है। इसका पूरा राउंड हम सिंगल क्रोशिया से पूरा करेंगे। ये डबल चेन बन जाएगी इस तरह। देखिए ये डबल चेन हमारी रेडी हो चुकी है। ये पूरा राउंड हमें डबल चेन का बनाना था। अब हम वन टू थ्री ये देखिए ये 3 हुक हमने बना लिए। अब हम डबल क्रोशिया से इसे हर हुक में यहाँ पर आपको ये होल से नज़र आएंगे डबल चेन करने पर। उसमें हम हर हुक में इसे निकाल कर पूरा राउंड इस तरह बनाएंगे। अगर आप यहाँ इस जगह पर ये 3 हुक बना देंगे तो ये हमारा डिज़ाइन इक्वल हो जाएगा। हम अभी ये पूरा राउंड इसी तरह बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 3 धागे की ऊन है इसलिए हमें बहुत संभाल कर ये डिज़ाइन बनाना होगा। देखिए ये फर्स्ट राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इसी तरह हमें 3 राउंड ये करने होंगे 1 2 3 जिस तरह मैंने आपको पहले राउंड में बताया है। ये 3 राउंड हमें बनाने होंगे। इस तरह के ये हमें दो पिछला और अगला ये गला तैयार करना होगा। दोनों की चेन 70 हुक की बनेगी। देखिए ये थर्ड राउंड करने के बाद हम ये फोर्थ राउंड 1 हुक छोड़कर दूसरे हुक में निकालेंगे। हर बार हमें एक 1 हुक छोड़ना हो। अब ये दूसरा राउंड भी हमें इसी तरह कंप्लीट करना होगा। देखिए पहले हम इसी तरह ये 3 हुक बना लेंगे ताकि हमारा इक्वल हो जाए। पहला यहीं से हम डबल क्रोशिया लेंगे, दूसरा
ये पूरा राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना होगा। देखिए ये वाला राउंड जो आप पहला कंप्लीट करेंगे वो एक हुक एक छोड़कर आप दूसरे हुक से ये निकालेंगे, फिर हम ये दूसरे हुक पर हमारे डिज़ाइन बन जाएगा, फिर हम इसमें यह हर हुक में निकालते जाएंगे। हमारे फ्रॉक का ये गला गोल हो जाएगा। इसमें आप टू कलर भी लगा सकते हैं जैसा मैंने आपको डिज़ाइन में दिखाया है। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हमने ये दोनों हिस्से ऊपर नीचे रखकर एक साइड को जॉइंट करना होगा। सिंगल क्रोशिया से हम ये जॉइंट करेंगे। देखिए ये हमने एक हिस्सा जॉइंट कर लिया। अब इस साइड को हम जॉइंट नहीं करेंगे। बहुत से बेबी का हेड बिग होता है इसलिए हम इसको खुला रखेंगे, इसमें कोई भी हुक हम लगा देंगे। देखिए आप इसे बराबर रखकर आस्तीन का बना लेंगे इस तरह। देखिए हमने यहाँ पे
निशान लगा दिया। अब हमने दूसरी आस्तीन का ये यहाँ पे निशान लगाएंगे, दोनों हिस्से ये बराबर रहने चाहिए इस तरह। देखिए अब ये इस तरह हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हमने नीचे ये घूम बनाना है। दोनों हिस्सों को बराबर यहां से लेंगे। इन दोनों हिस्सों से ये हमें क्रोशिया क्रोशिया इस तरह से लेना होगा। देखिए हम ये पिंक ऊन से ये डिजाइन बनाएंगे। अब ये हिस्सा इधर कर देंगे। देखिए अब डबल क्रोशिया से हम ये नीचे डिजाइन बनाएंगे। पहले हम ये थ्री हुक बना लेंगे। 1 2 3 देखिए हमें इसी हुक से इसको 5 बार क्रोशिया से ये डिज़ाइन बनाना होगा इस 1 हुक में। थ्री फोर फाइव। अब हम यहाँ पे ये 1 2 3 हुक की चेन बनाकर अगला डिज़ाइन बनाएंगे ये डबल क्रोशिया से। फिर हमें ये 5 बार बनाना होगा एक ही हुक से। फिर 2 3 4 फाइव। देखिए ये 5 टाइम डिज़ाइन हमने बनाया। इसी तरह फिर हम 3 हुक बनाएंगे 2 3 फिर अगला डिज़ाइन ये 5 टाइम बनाएंगे। वन
टू थ्री फोर फाइव। देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमें हर बार ये थ्री हुक की चेन बनानी होगी। वन टू थ्री फोर फाइव। हर बार हमें ये फाइव टाइम वन हुक में बनाना होगा और ये थ्री हुक हमें हर डिज़ाइन पर बनाना होगा। ये पूरा सर्किल इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। देखिए अब ये जो निशान हमने लगाया था, अब हमें इन दोनों से ये क्रोशिया निकालना होगा इस तरह। इन दोनों पार्ट में हमें सिर्फ आस्तीन बनाने के लिए डिज़ाइन दोनों पार्ट में लेना होगा। देखिए ये वन राउंड हमारा रेडी हो चुका है। हर बार हमें इसी तरह से ये थ्री हुक बनाकर आप इसमें नीचे तक। अब हमने ये डिज़ाइन इन पांचों बार क्रोशिया से लिए गए डिज़ाइन में निकालना है। फिर हमें ये फाइव टाइम बनाना है। हर राउंड पर आप इसी तरह नीचे तक बनाते जाएं। देखिए इस तरह। अगला राउंड जो आप करेंगे, तीसरा राउंड, वो फिर इसी बीच से लिया जाएगा। इसी तरह आप ये आस्तीन में ये राउंड बनाएंगे पूरा ये फ्रॉक कंप्लीट होने के बाद। देखिए इस तरह। ये नीचे तक इसी तरह ये डिज़ाइन बनता जाएगा।